अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार जैसे कि तुम लोगों को पिछली वीडियो का पता ही होगा कि भाई ट्रेवर ने जो है लैम्बोर्गिनी सेल करने के लिए माफिया से डील करी थी, लेकिन वो हमारी डील नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ गई थी और लैम्बोर्गिनी जो है अपनी पूरी तबाह बर्बाद हो गई थी। तो पुलिस वाले जो है भाई ट्रेवर को अरेस्ट करके इस लॉस सैंटोस सिटी के सेंट्रल जेल में ले आए थे, जो कि सैंडी शोर्स में। तो यार अभी तो बस सबसे पहले जो है ना यहाँ से निकलने का कुछ प्लान करना है। ये देखो भाई क्या क्या करते रहते हैं अभी, ये देखो इनके सही मज़े हैं भाई। ये देखो बियर पी रहा है, वाह जेल में आया हुआ है कहाँ, अपने ससुराल में आया। और ये देखो ये क्या कर रहा है, बाहर झाँक रहा है। मुझे लग रहा है इसकी टीम आने वाली है इसको बचाने के लिए, इसको यहाँ से छुड़वा के लेके जाएगी। यार यहाँ पे कोई ड्रिल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है अंदर बंदा। लो ये भाई जान सिगरेट पी रहे हैं, इनको भाई यहाँ पे जो है ना कैदियों को फुल नशेबाजी दी जा रही है। ये योगा कर रहा है, यहाँ पे ड्रिल कौन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है वेल्डिंग कर रहा है। काम देखो इसको पता ही नहीं कि बाहर एक और लोहा है, लेकिन इसके बाद ये वेल्डिंग वाली आई कहाँ से। फुल देख रहे हो यहाँ पे गिटार विटार सब बज रहा है, ये कैदी है पता नहीं कौन है। ये क्या कर रहा है, लड़ेगा, लड़ना चाह रहा है। आ जा ये ले लो, कान में दर्द हो गया, आओ आओ पकड़ो। क्या कर रहा, अंधा लग रहा है मुझे तो ये। ओए लो खड़ा हो बेटा, इधर आ, ये ले। वो धक्का दे रहा तेरी पकड़, ये ले तू भी धक्का ले। है ये कहाँ गया, ये क्या हुआ भाई। और कौन है यहाँ पे, ये देखो ये भी बियर पी रहा। नीचे चलते नीचे देखते क्या है, ये पड़ा हुआ वो बंदा। अरे इसने क्या लिख के लगाया हुआ कार्डबोर्ड पे, कंसोल बस अगेन नीड मनी टू हेल्प। अजीब था। और ये देखो ढोल बजा रहा है यहाँ पे, इसके बाप की शादी हो रही है ना, तू भी लड़े। ओ तेरी, ये ले ड्राइवर भैया को तुम लोग जानते नहीं हो। ये ले काले बॉडी बिल्डर, ये ले ये ले, गिर गया साला। अबे इसके पास मोबाइल कहाँ से आया, मोबाइल इसके पास कहाँ से आया, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं खुल रहा, इसके पास मोबाइल कहाँ से आया। वाह भाई वाह, खैर इसे छोड़ो नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं भाई कुछ सेटिंग करते हैं, प्लान व्लान करते हैं कुछ नीचे यहाँ से निकलने का। ये सामने क्या है, यहाँ चल के देख। ये क्या है ये, अच्छा वॉशरूम है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ये सारे कैदी वगैरह जो है ना ये नहा रहे हैं, ये नहा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ सिगरेट पी रहा है खड़ा हुआ, ये क्या है। बहुत सारे रूम बने हुए इधर, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा ये खाने की जगह कैदियों की, मतलब अबे भाई वो जा रहा हूँ भाई बाहर। वह भाई ये तो मार रहा था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा के आया हूँ उससे। चलो भाई थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं यार, कुछ करने को तो है नहीं, उसके बाद कुछ करते हैं प्लान, थोड़ा दिमाग चलेगा भाई। सिटअप्स लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए ना यार, फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग एक्टिव रहेगा, फिर कुछ सोचते हैं यहाँ से निकलने का। ये पुलिस वाला आया कह रहा है भाई कि आपसे कोई मिलने आया वहाँ पे, चलो भाई देख कर आते कौन मिलने आ गया। ड्राइवर से कौन मिलने आया होगा भाई इस टाइम, किसी को तो पता ही नहीं कि ड्राइवर यहाँ पर है। फ्रैंकलिन या माइकल ही हो सकते हैं, चल के देखते हैं। खैर पता नहीं क्या सीन है, कौन मिलने आ गया, कहाँ मिलने जाना है वो, आई थिंक सामने जाना है वहाँ पे। हाँ यहाँ पर कहीं
मिलने की, यहाँ पे मिलने वाला एक रूम था जहाँ पे कैदियों से लोग मिलते आके। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है ना, अभी रॉन आया ट्रेवर को बता रहा है कि भाई इसने जो है ना यहाँ पे ना जेल के पास ना किसी रूम में ना सुरंग बनाई है, तो वो हमें जो है ना सुरंग ढूंढनी पड़ेगी। अब वो पता नहीं कहाँ बनाई है, इसने कहा भाई वो तुम ढूंढो, क्योंकि इसको तो रॉन को तो नहीं पता कि वो सुरंग इसने खुदवाई तो है, लेकिन वो कहाँ पे निकली है, तो ये जो है ना अभी ट्रेवर को ढूंढना पड़ेगा। और रॉन बता रहा है कि भाई हमने सारा प्लान कर लिया, तुम उस सुरंग से बाहर आओगे, इसके कुछ दोस्त खड़े होंगे और गाड़ी भी हमने प्लान कर ली है फ़ौरन ड्राइवर को ना, और घर का इंतजाम भी कर लिया, क्योंकि अगर ड्राइवर यहाँ से जाएगा तो भाई अपने घर पे नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस वाले जो है वहाँ पे रेड लगा सकते हैं ड्राइवर को पकड़ने के लिए। तो चलो भाई अभी देखते हैं कि यार रॉन ने कहाँ पे कौन सी सुरंग खोदी है, ढूंढनी पड़ेगी। किसी रूम में बोल रहा था यार, लेकिन यहाँ पे रूम तो बहुत सारे, इतने बड़े हम लोग सेंट्रल जेल में ढूंढने के कहाँ पे, मुश्किल हो जाएगी बहुत, लेकिन देखते हैं भाई। अरे अरे पुलिस वाला भागो भागो, इससे पहले गोलियां मारे या डंडा मारे। वो तेरी क्या कर रहे हो ड्राइवर भैया, वो लो भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे जो है ना ड्राइवर का रूम था ना भाई, जो सेंट्रल जेल में इसको रखा हुआ था, तो वहाँ पे मैं चल के चेक करते हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूम वहीं पर है। और रॉन भी ये कह रहा था कि जहाँ पे ना कैदियों को रखा जाता है ना, जो उनके रूम होते हैं वहीं पर ही है कोई। देखते हैं यहाँ पे किस रूम से यार उसने सुरंग बनाई है। यहाँ पर तो कोई सुरंग मुझे नज़र नहीं आ रही, सुरंग होगी तो यार नीचे वाले रूम से ही होगी, लेकिन चलो ऊपर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। ओ ये क्या है, इस रूम में क्या है, मुझे तो यही लग रहा है, यहाँ चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर यार। ओए ये कहाँ गया मैं, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा, मतलब कि खाली रेल की पटरियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि रॉन ने जो है ना इसी सुरंग के बारे में बताया था। चलो चल के देखते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल। यहाँ तो चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है और अंधेरा देखो कैसा हो रहा है। वो सामने आया कुछ, गेट है गेट है, यहाँ से निकल के देखते हैं। ओ ओ भाई ओ, ओ, ओ। ये मुझ रॉन तू तो बच अब मुझसे, अजीब पागल है यार ये खड़ा हुआ ये देखो। अबे रॉन ऐसा कोई करता है क्या, देख तो मैं आ रहा हूँ, तूने बम फाड़ दिए, चला चले बैठ गाड़ी में। ये तो किन दो को उठा के ले आया, अभी जल्दी से मुझे घर की लोकेशन बता, क्योंकि हम लोग अपने घर पे नहीं आ सकते। तूने सही कहा था कि अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो पुलिस वाले जो हैं हमें पकड़ लेंगे। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग, यार रॉन ने जो है ना एक घर देखा हुआ है इसके किसी दोस्त का है, तो वहाँ पे भी हम चलेंगे। वो हाईवे की तरफ ही है, सैंडी शोर्स पे नहीं है, सैंडी शोर्स नहीं जा सकते, क्योंकि भाई सेंट्रल पुलिस वाले तुम लोगों को पता ही कैसे हैं। और ट्रेवर जो है जेल से भागा है, और बहुत ही चुपचाप तरीके से भागा, किसी को पता ही नहीं चला भाई, लेकिन वो सुरंग का जल्दी पता चल जाएगा पुलिस वालों को। एक तो ये ट्रक भी ऐसा ख़राब लाया है यार, मनुष्य ट्रक है कोई, चल के ही नहीं दे रहा। घटिया ट्रक है यार बिल्कुल। चलो भाई अभी हाईवे पे आ चुके हैं, ये देखो शक्लें तो देखो इनकी, मुझे तो लग रहा भाड़े पे लेकर आया होगा इनको, क्योंकि मैं तो नहीं जानता इनको, रॉन ही जानता होगा अगर हो सकता है तो। अभी तक यार वैसे अभी तक तो पुलिस पीछे नहीं लगी, हम लोग बहुत ही चुपचाप तरीके से जो है सेंट्रल जेल से निकले, और सुरंग का भी किसी को नहीं पता था, जिस तरह रॉन ने उसको करवाया था यार खुदवाई नहीं होगी इसने, क्योंकि वहाँ पहले से जो है ना रेल की पटरियाँ लगी हुई थी, इसने कोई सुरंग जो है ना बनवाई है उसी रेल की, जहाँ पे वो टनल था ना वहाँ से ट्रेन आती जाती होगी, इसने उसी में से ऊपर से कोई खुदवाया होगा बस, ताकि वो सेंट्रल जेल तक निकल जाए। पहुंचने ही वाले हैं बस, कितनी दूर है, ओए बचत हो गई, अभी मर जाती नीचे आके। यहां से जाना है लेफ्ट साइड पे,
लो ये देखो कितना घटिया ट्रक है, हैंडलिंग भी इसकी ना बकवास है। ये देखो अगला टायर जो है वो जाम हो गया, ये देखो अगला टायर घूम ही नहीं रहा, जाम हो गया। यहाँ इस घर में जाना है। अबे ये कैसा घर है लेकिन यार, अपने ट्रेलर। अबे भाई तू निकल जा पहले, अब अजीब है भाई, तू जा नहीं रहा ना जाने दे रहा। घर तो मस्त है यार, अपने ट्रेलर से तो अच्छा ही है। चलो यार अंदर चलते हैं। आ जा भाई रोन, आ जाओ तुम सारे, आ जाओ अंदर इससे पहले कि पुलिस आए। वाह यार रोन, अबे यार यहाँ पे धुआं कितना हो रहा है, क्या चर्सी मवालियों का कमरा है क्या? कुछ बियर बियर पड़ी हुई है इधर, पिला यार, एक तो 2 दिन से पी नहीं है, खा लिए। चल भाई मैं सबसे पहले कपड़े चेंज कर लूँ, ये उतारूँ कैदियों के कपड़े, उलझन हो रही है इसमें। ये सही है, हटो यार। तो गाइस उम्मीद है तुम लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।